ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग रामेश्वरी बघेल के जय जोहार। मोटर वाहन अधिनियम के संशोधित प्रावधान अधरतिया ले लागू हो गए हैं। एकर तहत यातायात नियम के उल्लंघन पर आर्थिक दंड बढ़ाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के विशेष पुलिस महानिदेशक आर के विज पत्रकार वार्ता में बतायन कि देश में बाढ़ा दुर्घटना और मृत्यु दर ला देखत ओमा सजा के कड़ा प्रावधान करे गए है। एकर तहत ज्यादा रफ्तार गाड़ी चलाए में हल्का गाड़ी मन ला 1 ले 2,000 रूपया और मध्यम गाड़ी ला 2 ले 4,000 रूपया तक जुर्माना के संगे संग ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करे के प्रावधान है। उन्हें गलत ढंग ले गाड़ी चलाए जाए में 1 ले 5,000 रूपया की जुर्माना और 6 महीना ले 1 साल तक के जेल के सजा के प्रावधान करे गए है। श्री विझा यहू बतायन कि शराब पी के गाड़ी चलैया मनु पर 10,000 रूपया की जुर्माना है। ऐसने बिगर लाइसेंस के गाड़ी चलाए में 5,000 रूपया जुर्माना लागी और कहूं कम उम्र के लड़का गाड़ी चलावा थे तो उनकर अभिभावक और गाड़ी मालिक ला दोषी माने जही। एकर बर 25,000 रूपया आर्थिक दंड के संग 3 साल की सजा होही। उन्हें बिगर हेलमेट के फटफटी चलाए में पहली घाव 500 रूपया और दोबारा ऐसे करे में 1,500 रूपया के आर्थिक दंड देना होही। ऐसने फटफटी में 3 सवारी बैठारे में 500 रूपया के जुर्माना घलो भरेल पर ही। देश भर में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम आज ले शुरू हो गए है। ये कार्यक्रम 15 अक्टूबर तक चलही। एकर उद्देश्य मतदाता परिवार ले सूचना लेके नवा मतदाता सूची तैयार करना है। ये कार्यक्रम के तहत हरेक परिवार के एक जिन मतदाता ला उपयोग बर नाव और पासवर्ड दे जाही, जेकर माध्यम ले अपन और परिवार के मतदाता पंजीकरण ले जुड़े कागजात और जानकारी ला उपलब्ध कराए बर पड़ी। ये कार्यक्रम में जानकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका ले दे जा सकी। वे छत्तीसगढ़ के सबो जिला में घलो आज ले मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की शुरुआत हो गए है। पहली दिन करीबन 50,000 मतदाता मन के सत्यापन करे के लक्ष्य है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू हा संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मल्ला ये संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिन है। देश भर में आज ले पोषण महीना मनाया जावत है। ये बछर के विषय है पूरक आहार। प्रधानमंत्री के संपूर्ण आहार के महत्वपूर्ण योजना पोषण अभियान में कतकोन मंत्रालय मन के भागीदारी हवे। एकर तहत बछर 2022 तक कुपोषण के समस्या ला खत्म करे जाना है। एति छत्तीसगढ़ में घलो राष्ट्रीय पोषण महीना के तहत कार्यक्रम मन के शुरुआत हो गए है। महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया आज सुपोषण रथ मल्ला हरियर झंडा दिखा के प्रदेश के आने आने जिला मन पर रवाना करी। ये सुपोषण रथ चुने गए जिला मन के आंगनबाड़ी और ग्राम पंचायत मन में जाके जन जागरण करे के काम करी। छत्तीसगढ़ विधानसभा सीट में हुआ उपचुनाव पर कांग्रेस के बाद छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस घलो अपन उम्मीदवार घोषित कर दे है। पार्टी है सुमित कर्मला अपन प्रत्याशी बनाए है। कांग्रेस डहर ले पूर्व विधायक देवती कर्मला टिकट दे गए है। उन्हें भाजपा अभी अपन प्रत्याशी के नाव की घोषणा नहीं करे है। प्रदेश में नगरी निकाय चुनई बर मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम अवैया 6 सितंबर ले शुरू हुआ थे। ये काम है लोकसभा विधानसभा चुनई ले कौन ढंग ले अलग है और कौन भी नागरिक मतदाता सूची में अपन नाव कैसे जुड़वा सकत है एकर बारे में ज्यादा जानकारी ले बर आकाशवाणी समाचार है गोट बात करे है राज्य के निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ले। ये गोट बात के प्रसारण समसामयिक विषय पर आधारित हमर साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में मा आज रतिया 8:30 बजे आकाशवाणी केंद्र रायपुर ले करे जही। एला प्रदेश के जम्मू आकाशवाणी केंद्र एके संग्रह रिले करही। सुहागिन माइलोगिन मन के पवित्र तिहार तीजा आज प्रदेश भर में श्रद्धा और भक्ति के संग मनाये जाते। ये दिन सुहागिन मन निर्जला उपास राख के अपन गोसैया के लंबा उम्र के कामना करते और विधि विधान ले भगवान शिव और पार्वती के पूजा पाठ घलो करते। वे काली बिहनिया उपास रखैया माइलोगिन मन फरहार करही। ये मौका में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जम्मू तिजहारिन मल्ला तीजा के बधाई और शुभकामना दिन है। उन्हें काली गणेश चतुर्थी हरय 11 दिन तक चले गणेश उत्सव की तैयारी जोर शोर ले चलत है। काली घर के संगे संग चौक चौराहा में पंडाल लगा के भगवान श्री गणेश की मूर्ति बैठारे जही। अब थोरकुन समाचार सारमा। बिलासपुर जिला के ग्राम पंचायत कोटखर्रा के लखनवाही में तरिया में बुड़े ले दो जन्नोनी मन की मौत हो गये। रायपुर के उरला क्षेत्र में एक ठीन फैक्ट्री में विस्फोट होए ले 3 जन मजदूर गंभीर रूप ले झुलस गए और मुंगेली जिला के सरगांव थाना क्षेत्र में हुए एक ठीन सड़क दुर्घटना में 2 जन लोगन के मौत हो गये। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।